दो घंटे की गुफ्तगू में एक
में रामलीला, जगह जगह जाम की शक्ल में है रासलीला, मैदानों में रामलीला, रोड पे रासलीला। तो जाम की वजह से हम ताकि से पहुंचे, आप हजरात ने इंतजार किया, बर्दाश्त किया, झेला, अल्लाह उसका बेहतर बदल आपको अदा करे। फिर हमारे जो अजहान है, हमारे जो माइंड है, वो अब इतने ज्यादा मजबूत नहीं रह गए हैं कि बहुत डीपली सबक किसी को मिले। आपकी वैसे टेंशन में आ जाता है, बच्चे झुंझल में आके बस्ता फेंक के मारते हैं, यार इतने सब्जेक्ट कौन पढ़ेगा। इसलिए हर आदमी चाहता है शॉर्ट पीरियड में कोई नुस्खा आता है, इसे ज्यादा पकाना ना पड़े, ज्यादा सुखाना ना पड़े, ज्यादा गलाना ना पड़े, और वो मलीने के तौर पर यूं चम्मच लो और बात खा जाओ, चक्कर मत पड़ो। जब ये तलबीना मार्केट में आया, तलबीना ना तलबीना हदीसे पाक में उसका जिक्र है, तलबीना एक खीर होती है, जौ की बनती है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महबूब तरीन शेर है, और हुजूर पाक ने बहुत से अमराज में उसके वास्ते से शिफा की तायीन फरमाई है, तलकीन भी की है, गाया जाए उसको। तलबीना हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा डिशेज में से एक है। तो जब ये मार्केट पे आया तो मैंने दोस्त से कहा, मैंने कहा ये कैसे कैसे बनता है, उसने बताया ऐसे ऐसे ऐसे, वो मेडिकल की लाइन से आते हैं। मैंने कहा तुम कितना अच्छा है, अगर इसको बना के तैयार करके अपनी फर्म से बेचो, धंधे का धंधा, पैसे का पैसा, और इशारे सुंदर में लग जाओ। ऐसे तो लोगों को अगर एक एक अज्जा करके बताएंगे ना, एक एक जुज और अज्जा उनके सामने रखेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। तो फिर उनकी समझ आया, वो बना बनाया तलबीना आजकल मार्केट में मिल रहा है, बस खाली धूप पे डालो, ऊपर से शहद या खजूर डालो, और वो पका के रेडीमेड तलबीना आपके लिए तैयार है, बस आपको खाना है। तो आपकी खिदमत में एक ऐसे सबक की जरूरत है नौजवानों को, बिलखसूस जो बहुत शौक हो, तब्बा फैला दिया यार, सुबह को इतने काम करो, शाम को इतने, भाई सीधे सीधे बता दो करना क्या है, बहुत शॉर्ट में। तो वो शॉर्ट सबक तैयार करके लाए हैं आपकी खिदमत में, खुदा करे कि आप उसे कबूल करें। सिर्फ और सिर्फ तीन काम, कितने काम, आप नौजवान हैं, जवानी की दहलीज पर हैं, कामयाब होना चाहते हैं, कामयाब जिंदगी चाहते हैं, कामयाब स्टेटस चाहते हैं, कामयाब लाइफ चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमें सेटल होने में बहुत कुछ न करना पड़े, तो सिर्फ तीन काम कर लीजिए। ये बहुत सारी चीजों का मजमूआ इन तीन कामों में आपके सामने ये गुनहगार पेश कर रहा। पहला काम, अपनी जिंदगी के मकसद को पहचानो, क्यों आए दुनिया, आगे बढ़िए। रोटी कपड़े के लिए तो महज नहीं आए, अगर रोटी कपड़ा ही मकसूद था तो फिर तो हम में और कहिए कि जनाबे मन जानवरों में कोई फर्क नहीं रह जाना चाहिए। इस वक्त दुनिया में रोटी कपड़ा मकान ये दौरे हाजिर का मशहूर नारा, और नारा नहीं है, हकीकत ये है कि जितनी दौड़ धूप है इंसानी जिंदगी की, उसका माहसल रोटी कपड़ा मकान। सुबह से लेकर शाम तक आप मशक्कत की चक्की में खुद को पीस रहे हैं, पीस रहे हैं। आपके बाप, आपके वालिद, आपके बड़े भाई, आप खुद, आपके शोहर, आपके भाई, या जिस रिश्ते से आप खुद सनिक हैं, मर्द या औरत, आप देखते हैं एक आदमी सुबह निकलता है, शाम तक मशक्कत झेल के वापस आता है, और लगता क्या है, उतना असासा जिसमें चंद रोटियां आ जाए, आप खा लें और पढ़ के मीठी नींद सो जाएं, कुछ बचे तो वो कपड़ों पे लग जाए, कुछ बचे तो वो बेडरूम के सेट करने पे लग जाए। ये दुनिया की इज्जत तोड़ दो, और दुनिया में कोई आदमी किसी और मिशन पर काम कर रहा हो तो कर रहा हो, मुस्लिम कम्युनिटी इन्हीं तीन चीजों के गिर्द घूमती है, रोटी कपड़ा मकान। चुनाचा हमारे खाने में मजा है, मैं अभी कह रहता इमरान से बड़ी प्यारी शुरू आ रही थी, जैसे बंदी महाराज एंटर हुआ, छोटे छोटे मजदूरों के मजदूर लोग खाते बेचारे, मैंने कहा भाई हमारी तुम्हारी दिल्ली वालों की बख्शिश तो इसमें भी हो जाएगी कि ये
और दाल के तो करीब से नहीं गुजरते, दाल बड़े पड़ा। ये नारा है, आम नारा है, किसी का हो ना हो, दिल्ली का, बॉम्बे का है, बनारस का है, कलकत्ते का है, जी लखनऊ, जितने बड़े शहर और शहरी जिंदगी अब बड़ी हो या छोटी, उनका जो मेहमर और मरकज है वो बेहतरीन खाने हैं, मुरक्कद खाने। आप यकीन करें मुस्लिम समाज में जितना जोर खाने पर है, अगर वो उसका 10% जोर अपने तालीमी मशागिल पर लगा दे, तो मैं ये बात यकीन के साथ कह सकता हूं कि महल्ला महल्ला आपको आईएएस आईपीएस मिल जाएगा, बेहतरीन उलमा मिलेगा आपको जितना जोर हमारा खानों पर है। कभी आप अपने फंक्शंस की डिशे गिने कितनी है, एक पे तो कनात करने को राजी नहीं है, एक डिश नहीं, अच्छा दो कर ले, वो खाने के बाद मीठा सुन्नत है ये जरूरी याद रहता है। नहीं सुन्नती लोग मीठा कैसे छोड़ सकते हैं। शेख हदीस साहब मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह सरकार पे थे, किसी ने कहा जोर से, अरे भाई मीठा लाओ, मीठा सुन्नत है, शेख जी आके भर आए तो फरमाया प्यारो आपका भी सुन्नत, यहां किसी का ध्यान नहीं चलता। इस वक्त इस्लामी दुनिया के बसने वालों का महवर और मरकज सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सिर्फ और सिर्फ क्या है, रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान। इसका पहला एग्जांपल रोटी, मैं 2022 में 22 में हश्र था, तो एक जगह पर मदीने मुनव्वरा में ठहरे, एक साहब ने कराची का कौरमा खिलाया, मैं कह रहा था ये आप आए वक्त मुझे आए हुए दिल हो गए, और ये चावल निकला ले दिल्ली वाले भाई, और दिल्ली वाले तो जाहिर फ्रेश चीज खाते हैं, कह रहे नहीं नहीं ये तो पूरी दुनिया में पार्सल होता है, कराची की डिशे पूरी दुनिया में पार्सल होती है। मैंने कहा सुभान अल्लाह, अगर पार्सल करने पे भी आए तो क्या, और मे खाई के मसाले इतनी तबादाई हमारी खाने पर हो रही। आगे आप फंक्शंस का अगर अंदाजा लगाए तो वो कहने ही क्या है, जो लोग काम की दुनिया में आरी आ चुके होते हैं, कोई काम उनका नहीं चल रहा होता है, अखीर में उनका माइंड सेट होता है कहां जाकर के भाई ओवर खोल लो, अच्छा हम लोग भी अब तो हमें भी दिख रहा है, बहुत लोग आते हैं सुबह से शाम तक, हम भी ये एडवाइस करते हैं भाई कुछ भी लेके बैठ जाओ, कलेजी ले लो, दिल ले लो, गुर्दे ले लो, कुछ लेके बैठ जाओ, वो सब खा लेते हैं। जरा सा वो एक मतलब भैया लाल कुएं में आए थे, इनके आए थे हाफिज आदिल के यहाँ, तो बाहर वो गन्ना होता है ना, गन्ना गन्ने की जो वो होती है पूरी, हमारे यहाँ उसको पूरी कहते हैं, गन्ने की पूरी, तो उसकी काशे की हुई है उसने ऐसे छोटे छोटे पीस, और पीसिस करके उसमें मसाले डाल के बेच रहा, थोड़ी देर बर्फ रखी हुई थी ठंडी हो जाती है, थोड़ी देर ठहरा, ये क्या हमारे यहाँ, हम लोग जाती है गन्ना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट का अंदाजा हुआ दिल्ली के लाल कुएं पे आकर के, वो कह रहा है मैंने कहा ये क्या, मेरे साथ थे एक साथी बाहर लेने आया, तो कह रहे दस भरी, इतना मारूंगा ना घोटा कर, किस कदर की आदमी की बात है, ये जालिम मामो बना रहा है भाई, क्या बेच रहा है गन्ने की बोरी के ताशे करके पीसिस करके, किस नाम से बेच रहा है, रस भरी। मेरी आपकी खाने की तवानाई का अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि हम एक वक्त का रखा हुआ खाना नहीं खा पाते, खाने पर जोर वालों से किया गया। सही आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है हुजूर के बाद उम्मत में जो सबसे बड़ी बिदअत जिंदा होती है उस बिदअत का नाम है ज्यादा खाना। दीनी पैनल पर आ जाइए, हम लोग मदरसे वाले हैं, मस्जिद वाले हैं, और बहुत से दीदी प्रोग्राम करते रहते हैं, चंदे का मसला आता है, देर मांगो किसी से एक मिनट से मिले, एक नहीं दो देगा, दो नहीं चार देगा, उससे लोग किसी और बदले में चंदा ले लो, हालत से नीचे ही नहीं उतरती, खाना खिलाने और खाना देने ही को दीन समझा गया है, उसके सिवा और बहुत से दीन के काम हो सकते हैं उनको दीन नहीं समझा गया, वो जहन में ऐसी चीजें सेट हो गई है, अल्लाह माफ फरमा। इसी के साथ साथ आगे आ जाए हमारा जो रहबरी का सर्कल, मैं बहुत कीमती गुफ्तगू कर रहा हूं,
और आप तवज्जो दीजिए, आप ये बात जहन नशीन फरमा लें कि मैं तैयारी करके पढ़ के और नोट्स बना के तब आपकी खिदमत में हाजिर हूं। ऐसी आता फूफा करके हाथ फेंक के चला जाता, आपको तो पता चलता मुझे सुना देता, लेकिन नहीं, आपके शौक, आपके शौक और आपके तवज्जो के साथ यहाँ बैठने की ही होने का कदर करता है और आपकी खिदमत में कुछ जरूरी मामूलात करना चाहता है, जो हमारा रहबरी का पैनल है, कायदी का, हमारी जो लीडरशिप है उनकी जो आवाज है वो भी इन चीजों के इर्द गिर्द होती है। चलाते सियासी गलियारों में आप देखे नारा, तो लीडरशिप आपके पास आती है, हाजी आप हमें जिताओ, वोट करो। अच्छा, आप करेंगे क्या सर? जब हम आपको वोट करेंगे तो आप करेंगे क्या हमारे साथ? तो वो आगे से जवाब में कहता है कि हम आपके साथ ये करेंगे कि आपको हम खाने का, बिजली पानी का, इन सब चीजों का वो लालच देते हैं और कहते हैं कि ये सब आसानियां इन पहलुओं पर हम आपके साथ करें, वो भी हमें इसी पहलू तक ले आते हैं। तालीमी इदारों की चहल पहल का मकसद और मेहर भी यही है। आपने देखा एक लड़का है सुबह सवेरे उठा और सुबह सवेरे उठ के दौड़े चले जा रहा है, आपने उससे पूछा कहां जा रहे हो? बोले स्कूल जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? कॉलेज जा रहा हूं। कहां जा रहे हो? यूनिवर्सिटी जा रहा हूं। क्या करोगे? डॉक्टर बनूंगा। क्यों? लाइफ में सेटल करना है भाई, लाइफ को सेटल करना है, कुछ कुछ अपने लिए करना है। अच्छा, आप क्या करेंगे? मैं इंजीनियर बनूंगा। अरे भाई क्यों बनोगे इंजीनियर? इसलिए बनूंगा ताकि अच्छी सर्विस मिल सके। आप कि हाँ मेरा भी इरादा जो है वो सिविल सर्विस में जाने का है। क्यों? अरे भाई अच्छी सर्विस करेंगे, अच्छा पैसा मिलेगा, नौकरी होगी, गाड़ी होगा, बंगला होगा, बढ़िया खाएंगे पिएंगे, झूठ नहीं खाएंगे, ऐसे ये सब है ना। तालीमी इदारों का मकसद भी यही है, उनका मकसद और मेहर भी इसके सिवा कुछ नहीं है। उसी का नतीजा है ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन करते हुए डॉक्टर पेट में कैंची भूल गया। आप जानते क्यों ये गफलत क्यों हुई? इसलिए कि वो अपनी नौकरी पे है, खिदमत पे नहीं। वो अपनी नौकरी पे है, खिदमत पे। इसी को हमारे हजरत मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे। उनसे किसी ने कहा कि हजरत आप तो ताल्लुक में खाली मुल्ला बना रहे हैं, और मैं हमारा तो काम ही खाली मुल्ला पैदा करना। क्यों? कि हम दुनिया हुब्बे जाह और हुब्बे माल के तालिबे पैदा नहीं करते, हम तो दीन के तहफ्फुज को, दीन की हिफाजत को यकीनी बनाने वाले अफराद पैदा करते हैं। और उसी का नतीजा है आप देखते हैं मसाजिद में बहुत कलील तनख्वाहों पर काम करके जिंदगी गुजार बैठते हैं उलमा की बड़ी जमात के अफराद। इसका मुख्तसर यह कि तालीम और ताल्लुक, मईशत और सियासत, हत्ता के आज के इंसान का बिलखसूस मुसलमान का चलना फिरना सोना जागना खेलना कूदना और हंसना रोना सब का सब इसी नफसी नारे के इर्द गिर्द घूम रहा है। क्या? रोटी कपड़ा। इसके सिवा कोई मकसद, कोई मतमह नजर, कोई जाविया, कोई पहलू और कोई मकसद की तायीन हमारी सोसाइटी और हमारे माशरे में। जाहिर है कि जब आपके पेशे नजर अहदाफ पे, टारगेट्स पे चीजें ये हैं, मेरी पर मेहनत होगी। अगर मैंने और आपने किसी और चीज को अपना मकसद बनाया होता, अगराज का हिस्सा बनाया होता, तो हम उनकी तकमील के लिए शब रोज जिद्दोजहद करते, जानी और माली कुवत सर्फ करते और उनकी राह में आई रुकावटों को दूर करने की कोशिश करते। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी जिंदगी में मकसद फोत है और जुज़वी तौर पर जो चीजें जिंदगी गुजारने के लिए लाजिम है, जरूरी है, और उनमें भी कुछ चीजें वो जिनका खुदाए अज़्ज़ा वजल ने वादा किया, मसलन रिस्क है, अल्लाह ताला ने वादा किया वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया, कोई कच्चा पक्का पढ़ा लिखा अनपढ़ ऊंचा नीचा देहाती शहरी कोई हो, कहीं का हो, कैसा ही हो, अल्लाह भूखा उठाते जरूर है लेकिन भूखा सुनाते नहीं। आप जानते क्यों? इसलिए कि रिस्क का वादा उन्होंने दिया है अपने जिम्मे को रिस्क दे। अब जिस शेर का वादा किया
बाहर कह रहे। नतीजा ये निकला कि इंसान और बिलखसूस मुसलमान दुनिया में आमद का मकसद भूल चुका। उसका मकसद ये नहीं था कि वो रोटी कपड़े मकान के लिए जीता, उसका मकसद ये नहीं था कि उसका तर्ज जिंदगी इसी के इसी के इर्द गिर्द होता और इसी को महवर और मरकज बनाकर अपनी जिंदगी के शब रोज को काटता। इसका मकसद ये था कि ये अपने मालिक के हकीकी की पहचान करता, ये जानता कि इसका कोई रब है, ये जानता कि इसका कोई पालनहार है, ये जानता कि इसी का प्रोडक्ट है, इसका कोई खालिक है, कोई इसका पैदा करने वाला है, उसकी कुछ हुकूमत इसके जिम्मे है, उसकी कुछ तालीम इसके जिम्मे है, उसका कोई निजाम इसके जिम्मे है। हाय अफसोस, मैंने और आपने अपने मकसद जिंदगी को याद नहीं रखा। और अब कहता है वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, अल्लाह कह रहे हैं हमने जिन्नात और इंसान को इसलिए पैदा किया कि वो हमारी इबादत करे। और अल्लाह अलूसी अलैहि रहम इस आयत की तफसीर में कहते हैं औलियारिफून, वो हमें पहचाने हम कौन है, हमारा उससे रिश्ता क्या है। हमने बिना वजह तो उसके लिए नहीं कहा वो इस बात रब्बुक अल मलाइका करती इतनी जाहिल फिर मौका व मौका बड़ी शानदार और बड़ी जानदार ताबीर है।
लाए, है ना, बंकी है, हुजूर को नबूवत मिली, आपने ऐलान किया या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिह। और ये ऐलान उस वक्त में हो रहा है जब जुल्म है, जबर है, तशद्दुद है, सितम है, इस्तिकदाद है, जोर जफा है। और मक्के की वो सरजमीन जिसने 1,24,000 नबियों के पांव के बोसे किए हैं, नबियों की कदम बोसी की है, ये वो सरजमीन है जहां काबतुल्लाह है, सहर हरम है, हरम मक्की है। इन अव्वल बैत वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन व हुदा लिलआलमीन, जिस जमीन के लिए कहा गया व हुदू इलत तय्यिब मिन अल कौल व हुदू इला सिरातिल अज़ीज़ अल हमीद। और जिस जिस जमीन के लिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है वो अज़ीज़ फितना से बिलहज जिया तू कर इजाला व अला कुल इमामिन यातीन मिन कुल फज आमीन ताहिर बैती लिल तालिबीन वल क़ाइमीन वर रुकअ सुजूद। जिस जमीन के लिए अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने कहा रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादी ग़ैर ज़ी ज़रई इन बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुक़िम, ये सब कुछ मंजरनामा उस हरम मक्की की सरजमीन का है जिसके लिए कुरान बोल के बता रहा है। उस जमीन पर तशद्दुद का, सितम का, जबर का, जुल्म का, जो तो जबर का आलम यह है कि बच्चियां जिंदगी जबराई जा रही है, बेटियों का पैदा होना मायूबी नहीं है, बदतरीन अमल समझा जा रहा है, उस खातून से नफरत है, उसके करीब नहीं लगा जा रहा है। अगर औरत पीरियड से गुजर रही है तो कोई उसके हाथ का पानी पीना तो पूछा उसके करीब से नहीं गुजरता है। इस माहौल में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे या अय्युहन नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ लोगों मैं मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह अब तुमसे मुखातब हूं इस हैसियत से कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की मंजिल से तरक्की करके मोहम्मद रसूलुल्लाह हो चुका हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐ लोगों मैं तुमसे मुखातब हूं और तुमको दावत देता हूं इस बात की कि इकरार करो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, इकरार करो इस बात का कि खुदा है, खुदा के सिवा कोई नहीं। ये जो तुमने हजारों माबूदा ने बातिला का एक पूरा झुरमुट सर्कल तैयार किया ये सब बेमाना है, खुदा की तौहीद के सिवा कोई और निजाम नाफिज नहीं किया जा सकता और खुदा के सिवा किसी और को कबूल नहीं किया जा सकता। खुदा अज़्ज़ा व जल ने ये निजाम जब अपने महबूब को पेश किया और उनके महबूब ने जब मक्के की जमीन पर पेश किया तो उससे पहले इंसानी दुनिया का जो हाल था वो ये कि 650 साल से जमीन पर कोई नबी नहीं आया था। अब जब नबी के कदम बोसी हो रही है और नबियों ने भी इमाम नबी दीन के कदम है जो सरापा बरकत है, सरापा खैर है, सरापा रहमत है, सरापा आफियत है, उनके कदम जहां पड़ जाए वो जमीन को जमीन सरसब्ज़ शादाब हो जाए। हुज़ूर पाक की कदम बोसी के बाद हरम मक्की का हाल किन किन खैर के साथ सरशार हुआ, लबरेज हुआ नहीं कहा जा सकता, क्या उसको कोई अल्फाज में बयान कर सकता है। लेकिन आप देखें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही ऐलान किया उस ऐलान पर लबैक कहने वाली एक जात जिसका नाम है सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन, जिसका नाम है सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन, जिसका नाम है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन, जिनका नाम है सैयदना अली रजी अल्लाह तआला अन, जो अशरा मुबशरा की शक्ल में है, जो हजरत अरकम इब्ने अरकम की शक्ल में है, आले यासीन की शक्ल में है, मुसअब बिन उमैर की शक्ल में है, सुहैब रूमी की शक्ल में है, खुबैब खब्बाब की शक्ल में है, सुमैया की शक्ल में है, जुनैरा की शक्ल में है, खंसा की शक्ल में है, हजारों सहाबाए इकराम है जो उसी जोरो जुल्म जोरो जफा के माहौल और उसी जुल्म इस्तिबदाद के माहौल में परवान चढ़े। इब्न नबूवत उनकी जिंदगी में उसी तरह था जिस तरह औरों के यहां पाया जाता था। लेकिन वो बात जो अल्लाह ने फरिश्तों से कहा इन्नी आलम, हम जानते हैं, माला तालमून तुम नहीं जानते, अल्लाह ने प्रैक्टिकल दिखाया मक्के की सरजमीन पर, देखो जिन इंसानों के बारे में तुम कमेंट कर रहे थे ये इंसानी दुनिया है, आज मोहम्मद के अबू बकर को देखो उसकी पेशानी का सजदे का निशान बोल के बता रहा है। अगर तौहीद सीखना चाहते हो अबू बकर से सीखो, अगर वहदानियत पर चलना सीखना चाहते हो उमर से सीखो, अल्लाह की जात पर यकीन देखना चाहते हो आओ आओ बिलाल को देख लो, सब्र तहम्मुल देखना चाहते हो, इस्तिकामत का कोहे गिरा देखना चाहते हो, ये
उसके रसूल से ज्यादा की महबूब ना हो। आओ जरा खुबैब को देखो, खब्बाब को देखो, सुहेब रूमी को देखो, बिलाल हबशी को देखो, मुसअब बिन उमैर को देखो। अल्लाह प्रैक्टिकल दिखा रहे थे लोगों, फरिश्तों देखो जिन इंसानों के बारे में तुम कह रहे थे, जब इन्हें मकसद जिंदगी समझ आया तो फिर ये बनकर बदल कर ढल कर संभल कर और तैयार हो के जो चेहरे बन आए हैं उनका नाम है अबू बकर और उमर और उस्मान और अली और ये اصحاب العشره المبشره है, اصحاب بدر है, اصحاب احد है, حنین है, तब ये सब दीवाने हैं मुहम्मद रसूल अल्लाह की आगोश में और उनके साथ। जब इंसान को मकसद जिंदगी समझ आ जाए फिर वो डरता है, फिर वो बदलता है, फिर वो समझता है, फिर वो सूरज की शुआओं में निकल शुआओं से निकलने वाली उन नई किरणों की मानी उजाला छोड़ता है, फैलाता है अपने वजूद से जो पूरी दुनिया को एक नूर, एक रोशनी, एक सुबह अता करते। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बिलखसूस अर्ज कर रहा हूं, अपने मकसद जिंदगी पर नजर रखिए। क्यों आए दुनिया में सवाल है, हर एक अपने आप से पूछे, रात की तारीकी में बिस्तर पे लेटने के बाद मुहासबा कीजिए, क्यों आए? आए थे इसलिए कि खुदा को पहचान ले। क्या खुदा को पहचाना? क्या इस तलाश में कभी निकले कि अल्लाह कहां है? मेरे रगोशे में, यकीन में, फिक्र में, तदब्बुर में, हुस्न अमल में, अखलाक में, किरदार में, मुआशरत में, मईशत में, सियासत में, मेरे अकीदे में, मेरी इबादत में खुदा है? क्या मैं जो नमाज अदा करता हूं उस नमाज में खुदा है? अगर नहीं है तो फिर इसका मकसद ही, इसका मतलब यह है कि मुझे और आपको मकसद न मिल सके। और अगर मिल गया और अल्लाह की तलाश में आप निकले हैं तो आपकी अजमत हो सकता है। मकसद पहचान लिया, रोटी कपड़ा मकान मकसद नहीं है, जिंदगी का बहुत से पहलुओं से डेवलप होना मकसद नहीं है, और जहां भर की चीजें हैं और सब पर अपना जोरे बाजो सर्व करना ये मकसूद नहीं है। मकसद ये है कि मैं और आप अपने उस खालिक को, मालिक को, रब को और उस अजीम मोहसिन को जिनसे बढ़कर इस जमीन पर मेरा आपका मोहसिन कोई दूसरा नहीं हो सकता, यानी मोहसिन इंसानियत हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनको मैं और आप पहचान लेते हैं। अल्लाह ताला ने मकसद बताया, मकसद है अल्लाह खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, ये मकसद है। और फिर अल्लाह बालू जी कहते हैं औलिया लिहुर, खुदा को पहचानना। और इस पर इब्राहिम इब्न अदब रहमतुल्लाह अलैह की गवाह कि वो लेते हैं अपने शाही महल में, जब वो गल्फ के बादशाह है, और उन्होंने अपने मकान की छत पर कदमों की आहट महसूस की तो पूछा कौन है वहां, बताने वाले ने बताया मेरा एक ऊंट घूम गया, तलाश कर रहा हूं, मेरा एक ऊंट घूम गया, तलाश कर रहा हूं। तो आप हंसे, मुस्कुराए और फरमाया भला कितने नादान हो, कैसे नादान हो, गुमशुदा ऊंट छतों पे मिलते? तो कहने वाले ने कहा इब्राहिम अगर गुमशुदा ऊंट छतों पर नहीं मिलते तो नर्म कद्दों पर अल्लाह नहीं। अल्लाह को पाना चाहते हो, ऐसा लगा इब्राहिम को दिल पर, बल्ख की बादशाह छोड़ी, जो वजीर था उसके हेड ओवर की निकल पड़े, अब मौला को पाना है, आप मौला को पाना है। मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जिस्म का सहारा जी, मेरी जिंदगी का हासिल, मेरी जिस्त का सहारा। हमारे तकीब अख्तर साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे जिंदगी का हासिल और जिस्त का सहारा ये हो जाए कि बस आप अल्लाह के लिए जीते हो, अल्लाह के लिए मरते। मैं और आप दुनिया में आने के बाद अगर अपने खालिक को नहीं पहचान सके तो कुछ नहीं पहचान सके। और खालिक को पहचानने का मतलब यह है कि खालिक के डर के सिवा दिल की दुनिया में किसी और का डर ना हो। और मियां अगर पहचान गए होते और मकसूद सामने होता तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की शान में यूं मुस्तफीदा होती, इस तरह हो रही नहीं है।
बशमूल अपनी जात के अर्ज कर रहा हूं, मुतकल्लिम आपसे ज्यादा मोहताज है, हम सब अहले ईमान इस भारत की सरजमीन पर अपने मकसद से गाफिल हो बजाए तो कुत्ता भोंक जाए, हुजूर की शान पे बक बक कर जाए और मुसलमान एक खामोश बेहिस नींद सोते रहे। कोई कहने वाला, कोई सुनने वाला, कोई बोलने वाला नहीं है। आखिर क्यों? इसलिए कि हमारे पेशे नजर मकसूद नहीं है, हमने उस जात को पहचाना ही नहीं जो जात कायनात की सबसे अजीम मखलूक है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए अपने मकसद पर नजर रखिए और मकसद की सबसे बुनियादी सीढ़ी यह है कि आप और मैं अपने बनाने वाले को पहचान करें। इसको पहचान जाए, अगर आप अल्लाह को पहचान गए तो आप कामयाब हो जाओ, अगर आप अल्लाह की तलाश में निकल गए आप कामयाब हो जाओ, अगर आपके दिन और रात इसमें शक होते हैं कि अल्लाह कहां मिलेगा, अल्लाह कैसे मिलेगा, अल्लाह की मोहब्बत कैसे मिलेगी, मुझे पाना है अपने रब को, बस आप कामयाब है, आपसे ज्यादा बकमाल कामयाब हो बाबुरा शख्स कौन हो सकता है। इस वास्ते अपने मकसद को पहचाने और मकसद पर नजर रखकर कामयाबी की जो तीन बुनियादी उसूल ये गुनहगार आपकी खिदमत में रखने लगा है, उनमें पहला मकसद, पहला उसूल यही है कि अपने मकसद जिंदगी को पहचानिए। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज, और इसी को कहा था इस शायर ने, शाह मोहम्मद अहमद साहब प्रताप बड़ी रहमतुल्लाह अलैह कहते थे कि आरज़ूए खून हो या हसरते पामाल हो, आरज़ूए खून हो या हसरते पामाल हो, अब तो इस दिल को तेरे काबिल बनाना है मुझे, अल्लाह के काबिल, बस एक अल्लाह हो इस दिल में, अल्लाह के सिवा कोई। और दूसरे नंबर पर बुनियादी उसूल के तौर पर इस बात को जहन नशीन फरमा ले कि एक मुसलमान बंदा बिल्खुसूस एक ईमान वाला किसी सूरत इस बात से गाफिल नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, कामयाबी की राह से हमकिनार होने वाला, कामयाबी की राह का राही मुसाफिर, उस पर पुख्तगी से जमने वाला एक मोमिन किसी सूरत इस बात से गाफिल नहीं हो सकता कि उसका वक्त कहां लग रहा है, कहां खप रहा है, यानी वो सब कुछ हो सकता है लेकिन वक्त का गद्दार नहीं हो सकता, वक्त के साथ खाइन नहीं हो सकता, वो अपने वक्त का मुहाफिज होगा। हमारा आपका हाल इस सिलसिले में बहुत मुख्तलिफ है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है, उन्होंने फरमाया नेमतान मगदूरुन फीहिमा कसीरुन मिनन नास अस्सिहत वल फराग, बुखारी की रिवायत है। उन्होंने फरमाया दो नेमतें ऐसी हैं जिनके सिलसिले में आम मतन लोग गफलत का शिकार है, दो का काय हुए, एक सेहत और दूसरे फुर्सत फरागत। सेहत है तो आदमी सोचता है ऐसा ही रहूंगा, हालांकि एक झटका, कितना, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पैदल पे झटके नहीं, एक झटका हल्का सा आएगा बीमारी का और आपको मिला के चले सारे मिशन को, सारे मकसद को और मकसद जिंदगी को और उसके लवाजिमान को, लाओ लश्कर को, सब को तहस नहस कर दिया। इसलिए एक कामयाब नौजवान के लिए बुनियादी तौर पर जो एक उसूल है वो ये कि अपने वक्त के मुहाफिज बनिए, आपके आप अपने वक्त के मुहाफिज हो। यूं ही कहीं बैठ गए, यूं ही किसी काम में लग गए, यूं ही आपके वक्त का कोई इंतजाम नहीं है, कोई इंतजाम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। मुसलमान और बगैर किसी सिस्टम के जी रहा है, मुसलमान बगैर किसी मंसूबे के जी रहा है। और ये बात पर वक्त याद आई, मेरी आज की जुमा की गुफ्तगू है, उन्होंने ये मंसूबा बनती, अफसोसनाक पहलू है कि मुस्लिम मुआशरा जितना ज्यादा अनसिस्टमेटिक है इतना शायद जमीन पे कोई दूसरा समाज है। और यहां से ले लीजिए इसको, मस्जिद में आपने एंट्री की,
नमाज पढ़ने आए, दुनिया का सबसे अच्छा काम अल्लाह की चौखट पर सर झुकाया और उन नमाजियों में चंपल देखिया, एक इधर पड़ा एक इधर पड़ा, किसी का भूटान की तरफ, किसी का अफगानिस्तान की तरफ, एक चप्पल किसी का कहीं दूसरा कहीं पर, वो चप्पल चोरी के वसाइल तो बाद में है, चप्पल रखने का सलीका उनको नहीं है जो नमाज पढ़ने आए, कोई इंतजाम नहीं। मस्जिद बनाते लाखों करोड़ रुपया मस्जिद में लगाते हैं, नहीं बनाते तो चप्पलों की मुनज्जम रेख नहीं बनाते, बड़ी बड़ी मस्जिदें खड़ी करते हैं लेकिन उसमें टॉयलेट का बाथरूम का एक कहिए कि अच्छा इंतजाम नहीं होगा, सब कुछ करेंगे लेकिन ऐसा इंतजाम नहीं होगा। बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाते हैं लेकिन इमाम पहुंचना मिलेगा बिल्कुल ऐसे जैसे कब्र, बेटे प्रैक्टिस कर मरना है तुझे, क्यों आपको नहीं मरना, यानी ये कौम का अलमिया है, आपकी बात नहीं है, सिस्टम नहीं है, मस्जिद की कमेटी है उसका अपना कोई किसी तरह का सिस्टम नहीं है, उनसे पूछा जाए आपका अकाउंट क्या है, पैसा कहां रखते हो, कौन सा पैसा है, कितना पैसा है, पता चला वही सड़े घुसे पुराने कटे फिटे लोग जैसे चलने में आए थे वैसे के वैसे, तकवा दिखा ले तकवा, हजरत मेरे तो नोट भी नहीं बदले, चाची खुश तो रहती किसी से, ये नोट बदलने से कुछ होगा नहीं होगा, आपको तो बाकायदा इस कमेटी के नाम पर एक प्रेस रजिस्टर करा लेना चाहिए था, एक अंजुमन बना लेनी चाहिए थी, मस्जिद के कुछ काम होते, मनाह महबूद के कुछ काम होते, मस्जिद से बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन नहीं, बचा ले मस्जिद से एक काम होगा बस, और उस काम का नाम है पांच वक्त की नमाज, आपकी मस्जिद ताले लगी रहेगी बंद रहेगी, ये सब है हमारे यहाँ। और माफ कीजिए, मुस्लिम सोसाइटी में बड़े बड़े इदारों में इंतजाम नज़्म व ज़ब्त नहीं है, नहीं है, नहीं जाए अपने बड़े बड़े मदरसों के हाल जाके देखे, जाए निजामुद्दीन का हाल जाके देखे, दरगाह बेदिनाई का हाल जाके देखे, जाए जिनतुल्ला का हाल देखे, अपने इज्तिमाआत का हाल देखे, रामलीलाओं में जो तबलीग, रामलीला ग्राउंड में जो जमीयत उलमा अपने बड़े बड़े प्रोग्राम कर उनका हाल देखे, सिस्टम नहीं है, कोई सिस्टम नहीं, हालांकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बेहतरीन मुंतजिम इस जमीन पर कोई दूसरा आए, हुजूर का इंतजाम इंसिराफ अल्लाह हु अकबर, उसकी कोई झलक अगर आपको देखनी है तो खाली को पड़ी मोहम्मद, कोई सिस्टम हमारे यहां नहीं, मंसूबाबंदी कोई नहीं है, प्लान नहीं है, एक आदमी से पूछो, मस्जिद की कमेटी से मिलो, मदरसों के जिम्मेदारों से मिलो, मैंने ये बात कई साथियों से कह रहा हूं, मुझे कहने में कोई किसी तरह का तरद्दुद नहीं होता, क्योंकि इसकी परवाह नहीं करता हूं कि दोबारा बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे, निजामुद्दीन में कोरोना काल में जमात के साथ मसाइल खड़े हुए, एक आदमी ऐसा टीवी की स्क्रीन पर नहीं था जो निजामुद्दीन का सही मायने में दिफा कर सके, नहीं था, और मैं ये बात कहने में किसी तरह की कहजाम महसूस नहीं करता हूं। एक लेडी है, इसका नाम अंजना ओम कश्यप है, वो किसी चैनल की एंकर है, उसने जो तबलीगी जमात का तारुफ कराया है, शायद मैं समझता हूं कि तबलीगी जमात के जिम्मेदार ने जमात का तारुफ ऐसा नहीं कराया, जितना तारुफ उसने कराया कोई नहीं था, लॉयर नहीं है आपके पास, जमीयत मुकदमा करती है, खिलाफ मांगती फिरती है, और वो कहती है किसी वकील को कितनी रकम दी, और वकील बड़ा बड़ा वो वकील तो फिर वकील है ना, लॉयर तो लॉयर, अजीब कंडीशन होती है, सबके लिए तो नहीं लेकिन जो इस नस्ल के वकील है उनके लिए शायद किसी ने शेर कहा, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा, लो आज हम भी साहिब औलाद हैं, सबके लिए नहीं है, मैं पेश की बात कर रहा हूं, जो दयालुदार है, अमीन है, सच्चे है, मुखलिस है, कौम के कई हमदर्द है, घूसखोर नहीं है, रिश्वत खोर नहीं है, कौम के सौदागर नहीं है, उनके लिए कदर नहीं है, उनकी तो अजमतों को सदा, लेकिन बड़ी तादाद ये के नाम पर लाखों रुपया हजारों रुपया एक तारीख का एक केस का, आप जानते हैं क्यों, हमारे यहां सिस्टम नहीं है, सिस्टम नहीं है, इंतजाम नहीं है, वक्त की हिफाजत का कोई प्लान हमारे यहां नहीं, मदरसों की जरूरत आते हैं लोग, बच्चा सुबह गया पढ़ने, सुबह तहज्जुद में गया, तहज्जुद से कुछ बात नहीं, रात तक पढ़ रहा है, बस एक ही चीज पढ़ रहा है, कुरान पाक में लगा हुआ है, और मौलाना साहब कहा है अब इसको छोड़ा दो,
तुम्हारा बच्चा यूज कर रहा है लोहे के चरे चमाएगा, पता नहीं कैसी बुद्धि बस हुई। परम तेरा यस्सद फराज अली जिक्री का आदमी को तक हमने कुरान अपनी याद के लिए आसान कर दिया, ये कौन सी लॉजिक लाया आप उठा करके कि कुरान मुश्किल है? मुश्किल कुरान मुश्किल, कुरान मुश्किल हो सकता है जिस किताब को अल्लाह ने दस्तूर जिंदगी और दस्तूर ऐन बना के भेजा हो, अगर दस्तूर ही मुश्किल हो जाए तो जीने वाले जी कैसे सकते? कोई सिस्टम नहीं, कोई प्लान नहीं हमारे पास। इसीलिए आप देखें दीनी तालीम वाले दुनियावी तालीम वालों पर और दुनियावी तालीम वाले दीनी तालीम वालों पर हमले करते रहते हैं। वो कहते हैं मौलवी ने कुछ नहीं किया, मौलवी कहते इन्होंने कुछ नहीं किया, और सच ये कि दोनों ने कुछ नहीं किया। इस पहलू का, इस पहलू पर दोनों ने कुछ नहीं किया सिवाय लड़ाई की, एक दूसरे को लगे पड़े। इसलिए औकात का तहफ्फुज़ कीजिए, वक्त की हिफाजत कीजिए, और वक्त की हिफाजत किसी सूरत मुमकिन नहीं है जब आप सिस्टमैटिक ना हो। सुबह सोकर उठने से लेकर शाम सोने तक प्लान हो आपके पास, आज क्या करना है? कोई आए आपका दरवाजा, हेलो अब्दुल्ला कहां है भाई? हां हूं मैं, पर चल रहे कहां तो बैठ गया नागरिक जी में, पता चला बेवकूफ है, अकल के अंधे है, खानदानी पागल है, मजनू पता नहीं कौन है, सारी रात बैठे। आपका घर नहीं है, लावारिस है, यतीम खाने से आए, बच्चा घर से क्यों उठा भाई? हो कौन यार रात के 2 बजे आप यहां कर क्या रहे? कौन है आप? एक मुसलमान अपने वक्त को यूं बर्बाद करेगा? सुबह उठोगे कब, सोओगे कब? उठना तो पहले बात का सवाल है, सोओगे कब? बस वो हजरत मैं मेरे पास पहुंचे एक पंडित जी, मैं ऐसे मुसलमान हो गए तो पंडित जी मुसलमान कह रहा था तो नींद नहीं आती रात को, मैं तो वहां बैठ जाता हूँ और साथियों को तलकीन करता रहता हूँ, फजर पढ़ के सोता हूँ। मैंने कहा बेटे तू फजर पढ़ के सोएगा तब भी ठोकेगा, लेकिन आपके फोन कॉल की घंटी नहीं बजेगी, कोई नहीं पूछेगा आपको
और आप दूसरों को देख के हसरत के मारे रो पड़ोगे, काश मेरे अब्बू होते और मुझसे भी पूछते बेटे कहाँ है। ये सबके साथ यानी हैरत है, हैरत है, सद हैरत है कि माँ बाप को देने के लिए वक्त नहीं। कितना मांगते हैं बेचारे, चंद मिनट बैठ जाओ उसमें बैठ के, अगर बैठ भी गए मशगूल अपनी जात के, कह रहा हूं मैं भी ऐसे हूं सबका हाथ ही हमारा, अगर बैठ भी गए माँ बाप के पास तो कंडीशन क्या होती है, अब तो कह रहे और बेटे ठीक है, हाँ पापा ठीक है अल्लाह का शुक्र है, वो असल में ऑफिस में बहुत काम था, पागल है वो, नहीं समझते इतनी बात की तो बेवकूफ है, वो नहीं समझते कि तू बिना वजह की चेक पे लगा हुआ है, वो नहीं जानते कि तू ऑफिस का काम करता। अरे भाई वो तुमसे नहीं है, तुम उनसे हो, उन्होंने तुमसे पहले चलना सीखा, पहले खाना सीखा, पहले वो तुमसे दुनिया में आए हैं, ठीक है इस टेक्नोलॉजी के सहारे इसको तुम लेके उड़ते फिर रहे हो, ये उन्होंने नहीं देखी, लेकिन इससे कई गुना आगे का जहान को देख चुके हैं। और सुन लीजिए एक बात, बहुत साफ लफ्जों में कह देता हूं, अगर आप अपने माँ बाप के गुस्ताख हैं और नाफरमान हैं, अल्लाह की कसम जमीन का कितने बड़ा हजरत जी हो आपका भला नहीं कर सकता। और मैं फिर झूठल में आके कहता हूं जमीन से ताल्लुक कायम करो और हमें बता देना अगर जिंदगी में बाहर आ जाए, मुमकिन ही नहीं है, इसलिए कि ये 100% हुजूर के दीन के खिलाफ हो। रीजन रब भी रीजन बाद अल्लाह राजी तो होते हैं जब बाप राजी, वरना अल्लाह राजी नहीं होते, और लोगों के बाप की राजी में अल्लाह ने अपनी रजा रखी है। और फिर इस पर बहुत सारे साथी कई बार मुझे कह देते हैं आप हमारे अब्बू को नहीं जानते, भाई देख मैं तेरे बाप को तो नहीं जानता लेकिन अपने बाप को बहुत जानता हूं और इस नतीजे में पहुंचा हूं जो बाप से नहीं बना सकता वो जमीन पर किसी से नहीं बना सकता। बात आपने मेरा इस पर कोई मौका रहा तो आपको सुनाऊंगा, आपने कभी अपने बाप को उस गहराई में जाके देखा ही नहीं जहां सिर्फ प्यार है कुछ और नहीं, आप गए नहीं वो। मैं बाप को मां से ज्यादा मेहरबान तस्लीम करता हूं, उसकी वजह यह है कि मां की जो मेहरबानियां हैं वो इतनी है ममता की बुनियाद पर, खुदा ने रखी है, खुदा ने रखी है वो देनी देनी है उसे, अल्लाह ने बनाया उसको इसलिए है, मां नहीं हो सकती सब, लेकिन बाप सख्त भी होता है और उस सख्ती में हजार पहलू नरमी के रखता है और आपको डेवलप करता है, बनाता है, सवारता है। अगर आपके पीछे बाप नहीं है तो आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते। इस वास्ते आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं मां बाप को वक्त दें, ये कोई दीनदारी नहीं है। पता चला हजरत मौली साहब भी हैं, हजरत काली साहब भी हैं, हजरत अमीर साहब भी हैं और हजरत फला भी है, ओ भाई कुछ भी है आप माँ बाप के फरमा बरदार नहीं है तो लानत है आप पे, आप कुछ नहीं है, माँ बाप बाप है, माँ बाप जैसी अजमतों की हामिल शख्सियत शख्सियात दुनिया में माँ बाप के सिवा कोई नहीं। अल्लाह कह रहे हैं वकदा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु वबिल वालिदैन इहसाना, अपने हक के साथ खुदा ने मां बाप का हक बयान किया, फिर ये कुर्बानी इस तरफ बात जाएगी। इसलिए अर्ज कर रहा हूं रवैयों में नरमी लाए, मां बाप को टाइम दे, ठीक है बीवी है बेगम है और ये सब बिना वजह की बातें है, कुछ नहीं है, उस आने वाली पे बिचारी पे बिना वजह का इल्जाम लगता है कि साहब को जब से आई है तब से बदल गए, तुम्हारा सिक्का कौन था भाई, उसने नहीं बदला है, ये टट्टू खुद बदला है, कौन कह रहा है उसने बदल दिया, नहीं बदला उसने, उस बिचारी के बदलने का मतलब ही नहीं बनता, वो कोरा कागज की जब वो आई थी आपके बेटे ने लिखा है उसने जो लिखा है, अगर आपका बेटा आपको समझता तो मजाक थी उस बच्ची की, वो कुछ किसी जाविये से आगे बढ़ जाती। इसलिए लोग चाहते हैं कि उनकी बीवी और उनके माँ बाप की कदर करे, उसका आसान रास्ता है आप अपने माँ बाप की कदर कीजिए, वो बच्ची ऑटोमेटिकली आपके माँ बाप की कदर करेगी। ये मेरे आगे के वक्त को इंतजाम और इंसराम के दायरे में लाकर महफूज कीजिए। और वक्त बड़ी कीमती शहर है, वक्त नहीं रुकता, वक्त वक्त नहीं रुकता, वक्त किसी के बाप का गुलाम नहीं है, वक्त है आएगा तो निभाएगा। ये हम क्या इस जमीन पे एक लंबे जमाने तक पहलवान हुकूमत रही, उसको ये जोर था कि हम नहीं बदलेंगे, लेकिन वक्त ने दिखाया कि हम जब आते हैं तो फिर किसी के भी आते हम बदलते हैं। इसीलिए कहने वालों ने कहा वक्त से अच्छा फैसला और वक्त से बेहतर सजा और
जजा का मामला अल्लाह ताला किसी और रास्ते से नहीं करते हैं। इसलिए शरीयत इस्लामी अपने पैरोकारों को मुख्तलिफ अंदाज में वक्त की कदर करने, उससे फायदा उठाने और उससे ताल्लुक मंसूबा बंदी करने की रहनुमाई फरमाई है। कुरान देख ले आप, वल असर इन्नल इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम बेशक इंसान सरासर नुकसान में है। इल्ला लदीना आमनु व अमिलुस्सालिहात, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए व अमिलुस्सालिहात और नेक अमल किए, व तवासौ बिल हक और उन्होंने आपस में हक की वसीयत की, व तवासौ बिस सब्र और दूसरे को सब्र की नसीहत की। वो जो दूसरा पैराग्राफ है उन लोगों के सिवाय उन लोगों के सब खसारे में है जिन्होंने अपने वक्त की कदर नहीं की। और वक्त की कदर का वो पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने अर्ज किया, मकसद जिंदगी से इन्हिराफ अगर है तो आप कामयाब नौजवान नहीं हो सकते। एक जगह कुरान ने कहा ये सब वक्त है जो कुरान बोल के बता रहा है, वल्लैलि इज़ा यग्शा वन्नहारि इज़ा तजल्ला, कसम है रात की जब छा जाए और कसम है दिन की जब रोशन हो, वल्फज्र वलयालिन अश्र वश्शफ्ई वल्बद्र वल्लैलि इज़ा यस्र, कसम है फजर के वक्त की, दस रातों की ताक और जुब की और रात की जब वो चलने लगे, मजीद आप देखे वश्शम्सि वदुहाहा वल्कमरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग्शाहा, उस ये सब कुछ वक्त की कदरदानी बता रहे हैं। एक जगह न कह रहे वज़ुहा, कसम है चाश के वक्त की, वल्लैलि इज़ा सजा और कसम है रात की जब वो छा जाए, यानी नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तालीमात में मुख्तलिफ ज़ावियों से औकात जिंदगी और उसके मुख्तलिफ मराहिल को गनीमत समझने और उससे फायदा उठाने की तल्कीन फरमाई। आपने उस मशहूर रिवायत को समाप्त किया होगा जिसमें पांच चीजों को पांच चीजों से पहले गनीमत जानने का हुक्म दिया गया और उसमें कहा गया कि आप गनीमत समझे मौत से पहले जिंदगी को। है टाइम आया, टिकट कटा तो हजरत गए, अब करो क्या कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। सेहत को बीमारी से पहले और फिर फुर्सत के औकात को मशहूरी से पहले और जवानी को बुढ़ापे से पहले, मालदारी को मोहताजगी से पहले। आज आप जवान है, आज आपके पास शबाब है, आज आपके पास ताकत है, या बैठते चांदी चौक पे नागोरी के ठियों पे गुजार दीजिए या उस रात को मुसल्ले पे अल्लाह के हुजूर खड़े होकर गुजार दीजिए, फैसला आपके हाथ। नाकामी भी आप तय कर रहे हैं और कामयाबी भी असबाब के दर्जे में आप ही तय कर रहे हैं। अल्लाह ने आपको दस्तूर दिया, जाब्ते दिए, उसूल दिए, रोशनी दी, अब आप न चले यह आपका उसूल। इसी को रसूल पाक ने फरमाया, अल्लाह के पाक पैगंबर ने कहा, इसी को कहा, निर्मतानी मकबूल फीहिमा कसीरुन मिन अन्नास अस्सिहतु वल फराग, दो चीजें ऐसे हैं जिनके सिलसिले में लोग गफलत में। आज सेहत है, आपकी समझते कुछ नहीं होगा, और मैं कह रहा हूं एक झटका यूं लगा और बंदा गया, बस अस्सिहतु वल फराग फुर्सत के लिए भी कुछ कर जाओ, गनीमत समझो मोहताजगी से पहले अपनी जिंदगी को, इस मानदारी को जो तुम्हारे पास माल है, इस असासे को जमा करके ना रखो, अगर इसको जमा करके रखोगे तो तुम मर जाओगे, कोई और राज करेगा। और आज का मालदार मालदार नहीं है, चौकीदार है मालदार। लोग समझते हैं मालदार है, मालदार नहीं है आप तो चौकीदार है, अपने बच्चों अपनी बच्चियों अपने पोतों और पोतियों की माल की चौकीदारी कर रहे हो। अगर आप मालदार होते तो इस माल का इस्तेमाल करते, भूखों तक पहुंचते, प्यासों तक पहुंचते, नंगों तक पहुंचते, बेसहारों बेबसों लाचारों नादारों और मजबूरों तक पहुंचते, किसी के होठों पे हंसी का सबब बनते, किसी की आंख का आंसू पूछने का सबब बनते, लेकिन आप ऐसा नहीं करते। क्यों? आपसे नाराज आप सिर्फ नहीं है, मैं अपनी जात को पहले मुखातब करके, हम ऐसा नहीं करते। क्यों? इसलिए कि हम मालदार नहीं है। हम मालदार, हम तो माल के चौकीदार हैं। हम मियां अपने लिए जिए तो क्या जिए, ये तो जीना है जो हम जिए, अपने लिए तो हम कभी नहीं जीते हैं, जानवर जीता है अपने लिए, इंसान जीता ही इंसानियत के लिए, मानवता के लिए और कुल जहान की मखलूक के लिए है, इसलिए कि उसको सरदारी अदा की, उसको अशरफ बनाया इसलिए गया। इसलिए कामयाब नौजवान नौजवानों के लिए कामयाबी का दूसरा बुनियादी उसूल वक्त की हिफाजत कीजिए। पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का जमाना है तो अपने टारगेट्स मुंतखब कीजिए, क्या बनना है आपको, स्कूल जा रहे हैं यही नहीं पता पढ़ेंगे क्या बनेंगे, क्या किस साइड से आगे बढ़ेंगे, हाँ जिस
साइड से आगे बढ़ेंगे राजघाट पे दिखती है वो साइड, दिखती है वो साइड बल्ली मारा की गलियों में धक्के खाती वो साइड नजर आती है कि साहब किस साइड से आगे बढ़ रहे हैं। रातों रात फूट पे चिपकने से अंदाजा होता है साहब किस साइड से आगे बढ़ रहे हैं। वही वही सब लड़ाई मुरतब होते हैं ना मुस्लिम मुआशरे में जो इर्तिदाद फैल रहा है, बच्चियां मुरतब हो रही है, इस्लाम की तहरीर छोड़कर कुफर की जमीन कबूल कर रही है, उसके बहुत से असबाब, एक सबब यह है कि लड़कियां पढ़ती हैं और लड़के नहीं पढ़ते। कॉलेज में लड़कियां ज्यादा है मुस्लिम, लड़के नहीं है, प्रोटेक्शन नहीं मिलता, उन बच्चियों को बचाने वाला कोई नहीं है। उस भगवान लव क्रेप का तो आप शिकवा करते, अपना शिकवा नहीं करते। अरे कैसे भाई है, बहन को ट्यूशन सेंटर नहीं छोड़ सकते, कैसे भाई है बहन को कॉलेज नहीं छोड़ सकते, कैसे बाप है आप बेटी को लेने नहीं जा सकते, लालच है आपके बाप को भाई होने पर, बच्चियों को लाने ले जाने की फुर्सत नहीं है आपके पास। बड़े भेदे नवाब कलम के कपड़े पहन के कालर झटकते मियां की जिंदगी नहीं है। अपने औकात को तहफ्फुज़ कीजिए, सिस्टमेटिक रहिए। हुजूर की जिंदगी मुनज्जम थी, हुजूर की जिंदगी इंतजाम और इंसराफ में सबसे नुमाया थी। अल्लाह के पाक पैगंबर ने उम्मत को इंतजामी पहलू पर लाके खड़ा किया है। उम्मत का कोई फर्द अगर मंसूबा बंदी के खिलाफ चलता है, फिर प्लान नहीं चलता, वो कुछ नहीं कर पाए। इसलिए कामयाब नौजवान बनने के लिए दूसरा बुनियादी उसूल है कि आप इस बात को यकीनी बनाए कि आप अपने वक्त की हिफाजत करें। यह उसी वक्त मुमकिन है जब आपका निजाम औकात हो। माना हाजरी रहमतुल्लाह ने 1500 किताबें लिखी। किसी ने उनसे पूछा आपने इतनी किताबें लिखी कैसे, फरमाया मैंने हर चीज का एक वक्त मुतय्यन किया और जिस वक्त जो काम करना है उसको आगे पीछे नहीं किया। इंतहा ये कि उनके उस्ताद गिरामी कद्र शेखुल हिंद हजरत मौलाना महमूद साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा उनके यहाँ खानकाह खाने भवन तशरीफ लाए। ये वो जमाना था जब बयान कुरान तफसीर लिखी जा रही थी। हजरत खाबी रहमतुल्लाह अलैह ने उस्ताद मोहतरम से इजाजत चाहिए और ये कहा हजरत मैं मामूल पूरा कराता हूँ अपना, इस वक्त मैं बयान कुरान लिखता हूँ। गए हजरत ने भी इजाजत दी थी, उस्ताद भी ऐसे ही थे, शागिर्द जैसा बाकमाल था। तो जाहिर है कि उस्ताद अपने दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है। शेख वलीद ने कहा जाओ बहुत अच्छी बात है। गए दो सत्रे लिखी आ गए, फरमाया हजरत शेख वलीद ने तुम तो आ गए। कहा हजरत बस वो मामूल पूरा करना था ताकि बेबरकती ना हो, ताकि बेबरकती, इसलिए मामूल पूरा करने के लिए गया था। आपकी शख्सियत मेरे लिए बड़ी काबिलियत है। फरमाते मैंने किसी काम को आगे पीछे नहीं किया। एक काम है, एक वक्त है, पता चला यहां तो हमारे जवानों का कोई मकसद ही नहीं है। हफ्ते में दो दिन काम पे गए, चार दिन पढ़ के खा रहे, वो जो दो दिन कमाया था। जब तक मलिया मेट न कर दे मुगल शहजादों की तरह आग न लगा दे सारी दौलत में, तब तक कहां करार पाते हमारे नौजवानों। अब फिर हजार अमराज पाल लिए, बेगदारी आज के नौजवान में, ठलवागिरी आज के नौजवान में, उधार मांग के खाना आज के नौजवान में, पापा के पॉकेट से पैसे चुराना, मम्मी का सर खाना, अम्मी को दुखी करना, बहनों के पैसे लेकर पी जाना आज के नौजवान। और तो और अगर शादी शुदा है तो बहनों की पॉकेट मनी जल्दी जल्दी हड़प कर, और बाजे के इतने कमीने होते हैं हैरत होती है बीवी का जेवर बेच के खा गए। अब भूले नहीं समाते ठंडे मार्केट में धड़ले से धोखे तो बहू का जेवर खा गए, इतना कमीन आदमी। मियां अगर बाकमाल बनना चाहते हो तो बेचना नहीं खरीदना सीखो। तुम्हारे बाप ने जो तुम्हें बना के दे दिया है उसे अपने मिशन का हिस्सा बनाओ कि इस पर मजीद कुछ तैयार करूंगा। बाप के वर्षे को आग नहीं लगाओ, वो भी तो औलाद है जो बाप का बनाया हुआ बेचकर अपना महल खड़ा करे। अपने ऊपर लाजिम पकड़ो उधार नहीं लेना, अपने ऊपर लाजिम पकड़ो हाथ नहीं फैलाना, अपने ऊपर लाजिम ने पकड़ो कि देना है लेना नहीं है। ये हाथ अच्छा नहीं है, ये हाथ अच्छा यदि मार्केट में काम नहीं है। अब बस जंग हो रही है इसी बात पे सालों तक चल रही है, काम नहीं करा देते मुझे, खुद काम कर लो यार, दुनिया इतनी एक्टिव हो चुकी है बगैर पैसों के काम नहीं होता। होता है, मजदूरी नहीं कर सकता हजरत में, क्यों शाहजहां का पोता है मजदूरी नहीं कर सकता, कितने बड़े टीले है तेरे पीछे तो मजदूरी नहीं कर सकता। जब मोहम्मद रसूलुल्लाह मजदूरी कर सकते हैं फिर जमीन पर किसी की कोई नसीब नहीं। आप मजदूरी को हल्का लेते, एक सहाबी मजदूर थे, सुन लीजिए एक सहाबी मजदूर थे, हुजूर की खिदमत में आए, ऐसे मुसाफिर मिलाया तो हाथों में कट्टे पड़े थे, पहाड़ काटते थे। उन्होंने अल्लाह के पाक पैगंबर ने पूछा क्या करते हो, बड़े सख्त हाथ है, फरमाया रसूल
मुझे किसी ने भेजा है आपके पास और ये सूरत हाल है, तो मैं क्या करूं, मैं हिम्मत नहीं कर पाता हूं। मैंने कहा तुम्हारे दोस्तों की बायोग्राफी चाहिए, कहां बैठते हो? तो पता चला उसका जो सर्कल था उसमें दो नमूने ऐसे थे जिन्होंने उसे ये बता रखा था भाई बहुत खतरनाक बीमार है और तू बचावे तो अल्लाह ही मालिक है वरना तेरा बचना। अब तुम ऐसे कमीनों में बैठोगे तो जिंदा जिंदा रहोगे उठोगे नहीं? अरे दोस्त वो है कि आखिरी सांस की दौड़ आपकी बाकी है और वो कटने वाली है, वो फिर भी कहे हिम्मत रख जिंदगी कमा निकलवा। तो मुझे याद होता है हमारे मस्जिद शांता में हमारे मुख्तलिफ थे, उनको कैंसर हो गया। आजकल लोगों को आदत करनी नहीं आती, कैसे लोग, यानी आप कहिए कैसे लोग जो है बंदे को तोड़ते हैं इससे अंदाजा लगाइए। तो मस्जिद के सबसे अव्वल के मुख्तलिफ 80 प्लस होगा उनकी बुजुर्ग आदमी बूढ़े आदमी मुझे चला के रहने वाले थे, अपने संधि की आदत के लिए मेरे साथ गए, मैं भी गया उनके साथ, मैं उनके साथ गया, बड़े उम्र के आदमी थे बेचारे। तो वहां जाके बैठे, उन्होंने मुझसे कहा मैं सुनो कैंसर हो गया। अब ये अंदाज ऐसा है आदमी नहीं मर रहा ना मरेगा, उसे यकीन हो गया ये मलकुल मौत की शक्ल में आया। मैं सुनो कैंसर हो गया, तो उन्होंने हाँ बच्चे बता दो ऐसे, मैं कौन सा हुआ? अभी एक सवाल से सांस नहीं लिया बंदे ने, दूसरा काम दिया जैसे ईरान मिसाइल दाग रहा है, कौन कोई नहीं रहा के मिसाइल पर ऐसी आती है बाहर के। तो उन्होंने दूसरा सवाल टाल दिया, मैं कौन सा हुआ कैंसर तो कई हुए, उन्होंने कहा ब्लड कैंसर हुआ। अभी मैं बैठा हूं हालांकि मैं उनका इमाम मस्जिद का इमाम हूं आदिम हूं, तो उन्हें चाहिए था कि मेरा इंतजार करते मैं बात करता, लेकिन नहीं मैंने इसलिए लुकमा देना मुनासिब नहीं समझा, बुजुर्ग थे बड़े थे, मैं इमाम अपनी जगह लेकिन मेरे यहां बड़े थे मेरे बाप की उम्र के थे। उन्होंने कहा कि ब्लड कैंसर है, तो कह लगे अल्लाह मालिक है बचते ना लो इसमें तो उनके सदी में है। तो मुझसे कहने लगे जब दूसरी मौके में उनसे मुलाकात हुई उसे जल्लाद पर आए थे मेरी अयादत करने, मुझे मारने आया था, देखा नहीं इमाम साहब आपने क्या कह रहा था बचते ना उसके बाप की जिंदगी है, ये सच है, ये सच है, डिपेंड करता है इस पर आप कहां बैठते हैं, किन लोगों में बैठते हैं, कारोबार नहीं चल रहा आप बैठते कहां है, उस आदमी के पास जो ताजिर है उसके पास जो रनिंग में है कारोबार की तरक्की पर उसके पास बैठिए, उसकी चंद मिनट आपको एक नई तमन्नाई देगी, एक नई ऊर्जा देगी, नई ताकत देगी, आप बैठ ही खलबों में रहे अब्बा के दम पर रोटी तोड़ने वाले ये तो अब्बा खुद कुछ नहीं कर सके आप जिक्र कर रहे हैं। इसलिए सोसाइटी चेंज कीजिए, अच्छे लोगों में बैठिए, नेक लोगों में बैठिए, अच्छी सिफात अच्छे अखलाक अच्छे किरदार के लोगों में बैठिए, उन लोगों में बैठिए जिनका तर्ज जिंदगी खुद बहुत अच्छा है, नतीजे क्या होंगे आप उनके सामने बात रखेंगे और वो आपको तैयार करेंगे। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किसी सूरत नहीं हो सकता कि आप अच्छे के पास बैठे और नाकाम हो जाए, और ये नहीं हो सकता आप बुरे के पास बैठे और कामयाब हो जाए, नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप आज कहे कयामत से पहले कि सूरज मगरिब से निकल गया, नहीं मुमकिन नहीं। इसलिए आपकी खिदमत में नौजवान दोस्तों की बिलखसूस अर्ज कर रहा हूं कि अपनी सोसाइटी तब्दील कीजिए, अच्छी सोहबत इख्तियार कीजिए, और इस अच्छी सोहबत और सोसाइटी के लिए सबसे बुनियादी शख्सियात है आपके माँ बाप, आपके बूढ़े बुजुर्ग माँ बाप, उनके पास बैठिए, अपने अब्बा को दोस्त बना लीजिए, बाप से बेहतर दोस्त जमीन पर कोई दूसरा नहीं होता। और ये भी नहीं मैं तो कबूल ही नहीं करता इसको लोग नौजवान दोस्त कहते हैं आप नहीं जानते हमारे अब्बा, हाँ मैं आपके अब्बा को तो नहीं जानता, मैं अपने अब्बा को खुद जानता हूं, मैं देखता हूं कि जो गुस्सा आपके बाप में है वो मेरे बाप में भी है, लेकिन उस गुस्से की मिकदार तो देखें, वक्त तो देखें, कैफियत तो देखें, उसको जरा काउंट तो करें वो कितना है, जब आप उसे शुमार करेंगे तो बहुत मुख्तसर है, एक बार डांटेंगे दो बार डांटेंगे तीन बार, जब आप देखेंगे जब आप चिपके रहेंगे फिर बाप कहेगा नहीं नहीं मेरी जिंदगी के तजर्बात मेरे बेटे से ज्यादा इसका मुस्तहिक कौन हो सकता है, ये मेरी नस्ल है मेरी गोद है मेरी जिंदगी है मेरा असासा है मेरा वर्षा है, अगर मैं इसको ये सब नहीं दूंगा तो किसको? और उससे आगे बढ़िए तो समाज में जिनको आप दोस्त बना रहे वो नेक हो पारसा हो अच्छे लोग हो उनका किरदार अच्छा हो उनके अफकार अच्छे हो
और तीसरे नंबर पर बुनियादी बात यह है, अहलुल्लाह की सोहबत इख्तियार कीजिए जो तमाम तर मसाइल का हल है। अहलुल्लाह की सोहबत अल्लाह के नेक बंदों के साथ बैठ जाओ। वो कहा है किसी कहने वाले ने, निगाहे वली में वो तासीर देखी है, बदलती हजारों की तकदीर देखी है। और मौलाना रूह रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, यक जमाना सोहबत बाउलिया, यक जमाना सोहबत बाउलिया, बेहतर सद साला ताते बेरिया। अल्लाह की सोहबत में चंद घड़ियां बैठने का मतलब समझते हैं आप, जैसे 100 साल नफली इबादत से बेहतर है आपका चंद घड़ी बैठना। ये तीन बातें मैंने आपकी खिदमत में रखी है। पहली बात मकसद जिंदगी, यहां से उठिएगा, रात सोइएगा नहीं, सोने से पहले तय कीजिएगा आज के बाद आपकी जिंदगी का मकसद क्या होगा। नंबर दो, आज के बाद कल की सुबह से आपके वक्त को, आपको अपने वक्त को डिटेल में, तफसील में डिवाइड कर देना है, तकसीम कर देना है, बांट देना है। इतनी देर सोना है, इतनी देर के बाद जागना है, फिर घर में रहना है, फिर इतने इतने वक्त में काम पर रहना है, काम से लौट कर वालिदैन का ये वक्त है, खाना बच्चों के साथ खाएंगे, और फिर यहाँ ये एक रूटीन हो, मामूल की जिंदगी हो, और उस तरह की जिंदगी में इस्लाम छलकता हो, वक्त की हिफाजत हो, आप कामयाब हो जाओगे। और तीसरी बुनियादी बात, अपनी सोसाइटी चेंज कीजिए। और यही सब बातें मिन वा अन लफ्ज टू लफ्ज जैसा एज इट इज कह सकते हैं, खवातीन के लिए, माए बहने बच्चियां सुन रही है उनके लिए, आप भी अपनी जिंदगी को बदलो। बिना वजह फालतू की बातें, नाश्ता बना दिया सुबह होके उठ के पता चला अपने घर फोन पे लगी हुई है, और ये करती है बच्चियां आजकल घर पे लगी हुई, और भाभी क्या बनाया आपको, तो कितनी फुर्सत से बात हो रही है भाई, तरीका आप है, आप इसी दुनिया की खातून है, आपको कुछ करना नहीं है, घंटों चिपकी हुई है बेचारा शोहर मिला वजह पे मुबतला, कोई इतनी लंबी बात का करती है, पता चला नन से चिपकी थी, और उसी भाभी से बनती भी नहीं है, और उसी भाभी से घंटों बात भी हो रही है। अजीब फलसफा है, तुम्हारा ही पता नहीं चलता किस तरफ चलूंगी। इसलिए खवातीन की खिदमत में बस एहतराम अर्ज करूंगा, आप भी अपनी जिंदगी के मकासिद को, औकात की हिफाजत, औकात की हिफाजत को यकीनी बनाएं, और अपनी सोसाइटी चेंज करें। कहीं भी बैठना, पता चला मोहतरमा का इंस्टाग्राम भी पेज है, ये पल्ले नहीं पड़ता कि खातून के इंस्टाग्राम पे और उस पर हजारों फॉलोअर, पता नहीं क्या ज्ञान बांट रही है, शौहर से बनती नहीं है, इंस्टाग्राम पे ज्ञान बांट रही है, मुअल्लिमा टीचर, और फिर नतीजे में फट्टे पड़ते ना घर में, शौहर के आते हुए इसीलिए बहुत मकसद से हटी हो। इसलिए अपनी जिंदगी को सिस्टमेटिक करो बाबा, अपने आप को समझो, तुम बीवी हो किसी की, तुम बेटी हो किसी की, तुम बहन हो किसी की, तुम माँ हो किसी की, किसी चौखट की छत की जिम्मेदारी है तुम पर, तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को कबूल करता है, और कहिए कि इख्तियार करता है, नजर रखता है। और मैं ये बात बड़े वजूद के साथ अला वजह बसीरत कह रहा हूं, अगर औरतें तब्दील नहीं होगी तो मर्दों से उम्मीद नहीं की जा सकती, इसलिए कि औरतों का तआवुन, उनका योगदान मर्दों से 3 गुना ज्यादा होता है माशरे की सलाह वगैरह। ये कुछ गैर मुरतब सी, गैर जरूरी सी और बहकी बहकी सी बातें इस गुनहगार ने आपकी खिदमत में रखी। अल्लाह रब्बुल इज्जत व जलाल इन तीनों पहलुओं का एक कामयाब नौजवान के तौर पर खड़ा होने, बने रहने, चलने, फिक्रमंदी के साथ चलने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।